खेल रही है, खेल बैठ के हेल्ला देख कैसे बैठ के भाई थोरू ना इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भाई आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट्स बहुत अच्छे कर रहे हो, लाइक बहुत अच्छे कर रहे हो, तो इसी तरह और करते रहो। वीडियो को जस्ट अभी कभी लाइक कर दो। और भाई हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई, कि भाई आप लोगों ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस कब होगी, मैंने बताया है ऑनलाइन क्लासेस मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे होगी। आप वहाँ पे जाओ, मेरे को फॉलो करो, 5K फॉलोअर्स होते ही आप कर देंगे। अपने पास 3 से 4 दिन का टाइम है, जितने ज़्यादा आप फॉलोअर्स करोगे उतना ही है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हमने करना क्या है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में थॉर को मिलाया था अपने छोटे से बच्चे से, पहले उसका नाम मकौड़ी रखा, उसके बाद उसका नाम स्नो रखा है मम्मी ने, तो उसको अब स्नो ही बोलेंगे। तो स्नो से मिलाएंगे आज हेला को और देखते हैं क्या रिएक्शन कैप्चर होता है। स्नो सो रही है और हेला मानू के पास है। स्नो बेटू तो पूरी नींद में प्यारा बच्चा है, छोटा सा। ओए, और थोर भी आ गया। थोरू, थोर इसे देख रहा है। उठ गई, वो भी उठ गई। थोर भी चला गया। सुनो ऐ, और देखो यार इसके पैर के नीचे भी ना, मतलब ये ब्लैक मार्क है जो इसके यहाँ पे कान पे है, ये देखो पैर, ये भी मस्त चीज है। चलो भाई अब वो टाइम आ गया है जब हमें स्नो को हेला से मिलाना है। मानो लिया हेला को, इनको पहली बार मिला रहे हैं। कुछ खाने की थी आपकी? अच्छा, हेला हेला तो भागने की कोशिश करेगी। थोरू, थोरू इसको अभी तक, मतलब थोरू और इसको अभी तक प्रॉपर तरीके से मिले नहीं है। उधर जा, इधर थोरू, इधर सबसे मासूम थोरू लग रहा है। थोरू तो है हमारा प्यार, थोरू का मोर इसको देगी। थोरू को बच्चे पसंद नहीं है, थोरू को पसंद सब है। अच्छा थोरू मैं बैठा हूँ ना, मेरा पास बैठा है। हेलो बच्चा। हाँ हेला, आजा आजा बेटो, आजा। हेला के तो ये चीज बहुत बढ़िया है इसके, मतलब जैसे शेर के नहीं आते बाल, बब्बर शेर के आगे से, ये देखो छोड़। और इसको कैसे ले रखा है इसने, देखियो। आजा नीचे ले आ इसको, मानो इसके साथ खिलाते हैं, आ जाओ। खेल रही है, खेल बैठ के हेल्ला देख कैसे बैठ के भाई थोरू ना इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हेला क्या हुआ था? ऐसे लेटी जैसे मेरे साथ, तो इधर आके बैठ। थोरू क्या हुआ? थोरू देखियो, देखियो उसको, देखियो थोरू उसको, देखियो। मेरी चमचियों की लिस्ट में एक और चमची ऐड हो चुकी। दो चमची होगी मानू की। ये देखिए देखिए, ये जो स्नो है ये छोटी बच्ची है, तो अब नई जगह आई है तो इसको रोटी खिलाओ तो पास रहना पड़ता है, तो इसको चिकन दिया। अच्छा रुक जा, चिकन दिया इसको तो पापा इसके पास खड़े रहे जब तक इसने नहीं खाए। खाखू के मैडम तो आ गई अंदर सुसु करने, अंदर आई सुसु करने। तो फिर मैं थोर को बोली आजा अब तू खा ले, तो पापा ने इसको दे दिया और पापा अंदर आ गए सुसु साफ करने, क्योंकि मुझे शक हो गया अभी पोटी करेगी तो मैं इसको टांगे बाज गई, तो वो बोले मैं कर देता कोई नहीं। तो भाई साहब ने खाना नहीं खाया कि इसके लिए तो तुम लोग उधर खड़े हो, और मैं आज तुम्हें इतना फालतू हो गया तुम मेरे पास खड़े भी नहीं हो रहे, ऐसा रूसा। मैं बोली थोरू खा ले नहीं, लेकिन मैंने पीस खिलाया तो खा लिया, फिर ऐसे देखना मेरा मुँह, देखो ऐसे कर रहा कि नहीं खाऊंगा। सुबह मैं बोली थोरू थोरू सुन रहे है, लेकिन मुंडी उठा के देखी नहीं इसने, इतना चिड़ौकला है। और हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर जैसे छोटा सा बच्चा है ये सुसु वगैरह करता है, तो इसका एक आइडिया है कि कैसे इसे बचाए, मतलब घर में ना करने के, जब भी ये सो के उठे इसको उठा के ले जाओ जहाँ पे आप सुसु कराना चाहते हो, या फिर जब भी ये खाना खा ले
उसके बाद ले जाओ। तो ये चीज याद रखना, ऐसे काम कर जाती है, बहुत बढ़िया बात है ये। इतने दे बोल दे, कैच करा। नहीं इसका मुंह लगेगा वॉइस रिकॉर्ड। थारो सेट ओ देख, थारो स्पीक ओ बोल के ले, थारो स्पीक, उसको बुला मानू, देखते क्या रिएक्शन होगा। सुनो सुनो, देख गया, थारो स्पीक, थारो स्पीक स्पीक। वो पूछ नीचे कर ली, वो पूछ नीचे कर ली, थारो स्पीक। सुबह बाहर वो आए हुए थे मांगने, तो थोर भोका भाव भाव भाव, मैडम जी तो थोर के पीछे खड़ी थी, थोर बोला भाव पूंजट दबाओ। तो भाई ये पूरी एक्टिंग, ओए थोरो नीचे आ, व्हाइट व्हाइट बेड शीट है, नीचे आ जा, नीचे नीचे यार, मानो इसको नीचे बिठा। यार हमारे घर में ना दो बार सफाई होती है, और कल तो पता क्या हुआ, ये अपने ये मिंडकी सी जो आई है, ये इसने सुबह उठ के देखा मैंने भाई सुसु 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 मेरे फ्लोर पे, फिर मैंने लाइजोन से खुद पोछा मारा है। सुबह उठते होंगे, अरे ये बच्चे है ना, इसको पता नहीं है बिल्कुल भी, अभी ट्रेन भी नहीं करी है ये, तो कोई ना थोरू तना की मिल जाओ इसमें, ऐसा च्युइंगम है थोड़ी है, खत्म नहीं होती। और ये हैला देख जैसे बैठी थी वैसी वैसी बैठी है, पूरा मस्त चीज है भाई, मस्त है, पूरा खेलते हैं ये। चलो भाई इस व्लॉग के बाद आप इसको नहीं देखोगे हमारे व्लॉग्स में, क्योंकि अब इसको हम छोड़ के आएंगे घर पे अपने, क्योंकि ये थोड़ी छोटी बच्ची है, ये रोज अपनी रात को मम्मी के लिए रोती है। हाँ, और वैसे भी मैंने जिस दिन मैं पहली बार लेके आया था उस दिन मैंने मेंशन करा था कि हम परमानेंटली नहीं लेके आ रहे हैं, कि दो एक दिन के लिए ला रहे हैं, कि हम दिखाएंगे थोरो को भी नया एक्सपीरियंस होगा, आप लोग भी एजुकेट हो गए कि ये ब्रीड बहुत अच्छी होती है भाई। जैसे कि हमने रॉटवाइलर बहुत बढ़िया ट्रेन करा, ऐसे ही आप इसे ट्रेन करो, ऐसे ही आप इसे ट्रेन करो। आज भी मैं वापिस कहता हूँ, डॉग कोई भी बुरा नहीं होता, जो उसका ओनर या उसका ट्रेनर होता है वो बुरा होता है। अगर आप ढंग से ट्रेन करोगे तो ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से लॉयल बन जाएगा। डॉग भी छोटे बच्चों की तरह होते हैं, जैसा माहौल वैसे वो। हाँ, और ये मेरी बात पूरी नहीं होने देती मानो, तो भाई इसीलिए फिर चलो आदित्य चले फिर इसको छोड़ के आए, अब इसको हम छोड़ के आएंगे। कैसी लग रही सीरीज जरूर बताना, अगर आपको ये टाइप की वीडियोस पसंद है तो हम और ब्रीड भी ला सकते हैं अगर आप कहोगे। मैं तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मम्मी और का वो सब वो देख रहा था रिएक्शन। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।